हेलो फ्रेंड्स, कम टू ऑल योर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई न्यू डिजाइन का डोरमेट का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। फ्रेंड्स स्टार्ट। आज मैं बनाऊंगी एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और ये डोरमेट फ्रिल वाला है। और देखिए, सबसे पहले मैं इस तरह से इसमें ऐसे देखिए इस तरह से एक दो तीन तीन चैन बनाऊंगी। और देखिए इसके अंदर से एक दो तीन तीन बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। और देखिए एक दो तीन चैन बनाऊंगी वापस इसी में से डबल क्रोशिया, एक दो तीन, देखिए फिर तीन चैन, एक दो तीन वापस इसके अंदर से एक दो तीन, एक दो तीन चैन, उसके बाद फिर इसी में से देखिए एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए मैंने चार ये डाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको टाइट करूँगी इस तरह से, देखिए टाइट हो गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं तीन चैन बनाऊँगी, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद जो मैंने तीन यहाँ पे स्टार्टिंग में तीन चैन निकाली थी उसमें यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए चौकोर फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं आगे ले जाऊंगी इसे इस तरह से, इसके बाद यहाँ पे ऐसे एक दो तीन चैन बनाऊंगी वापस इसी में से, एक दो तीन, ये देखिए तीन बनाने के बाद एक दो तीन चैन, उसके बाद वापस इसी में से ऐसे एक दो तीन। अब देखिए ये तीन बनाने के बाद अब मैं देखिए इसमें बीच वाले पे इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बना लूँगी, उसके बाद एक, ये देखिए इस तरह से एक चैन बनाने के बाद इसमें एक दो तीन, तीन बनाने के बाद वापस एक दो तीन, फिर इसी में से एक दो तीन, देखिए इसके बीच वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया, एक देखिए फिर अगले इसमें एक दो तीन, देखिए एक दो तीन, इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसको यहाँ पे ये तीन चैन पे इसको अटैच कर देंगे ऐसे। अब देखिए इसको आगे इस तरह से ले जाऊँगी और यहाँ से देखिए बनाना स्टार्ट करूँगी ऐसे, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, देखिए एक दो हो गए तीन, तीन बनाने के बाद एक दो तीन, देखिए इस तरह से अभी देखिए मैंने एक ये बनाया था, देखिए ये इस पे बीच वाले पे। अब देखिए मैं एक इस पे बनाऊंगी और एक इस पे, एक इसके इस पे, देखिए दो को यहाँ पे स्किप कर दूंगी और यहाँ से देखिए एक दो
और तीन, ये देखिए तीन हो गए, ये एक, अब देखिए यहाँ से इसमें अंदर से बनाऊंगी, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे वापस इसी में से, तीन, ये देखिए ये इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दूँगी, ऐसे देखिए यहाँ पे लाऊँगी इसे इस तरह से बनाते हुए, ऐसे देखिए इसमें इस तरह से एक दो तीन, ये देखिए वापस एक दो हो गए, तीन, तीन बनाने के बाद एक दो तीन चैन वापस इसी में से इस तरह से, ये देखिए अभी ये तीन बने थे बीच में, एक इसमें से और ये तीन, अब देखिए एक मैं इसमें से बनाऊंगी और ये तीन और ये यहाँ से पांच बनाऊंगी बीच में इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच, देखिए इस तरह से पांच बनाने के बाद अब मैं यहाँ से बनाऊंगी ऐसे, एक दो तीन, तीन बनाने के बाद एक तीन चैन इस तरह से वापस इसी में से राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, अब देखिए यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी इस तरह से और इसको आगे लाऊँगी इस तरह से, एक दो यहाँ पे इस तरह से लाई, एक दो तीन, तीन चैन निकालेंगे वापस इसी में से ऐसे, एक ये देखिए एक दो तीन, तीन की चैन, उसके बाद देखिए यहाँ से तीन बार इसी में से, अब देखिए यहाँ से मैं एक एक चैन इसमें लेना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे गैपिंग कम है इसलिए थोड़ी सी इस तरह से, अब देखिए एक यहाँ से बनाऊँगी, पांच ये बने हुए हैं, एक इधर से ले लूँगी तो सात हो जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात, एक ये देखिए इसमें से बना लूँगी और देखिए उसके बाद एक चैन, अब देखिए यहाँ से बनाऊँगी ऐसे तीन बार डबल क्रोशिया, उसके बाद एक दो तीन वापस इसी में से, ये देखिए इसी तरह से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, जितना बड़ा आपको डोरमेट चाहिए इसी तरह से बना लें, उसके बाद में इसमें मैं फ्रिल बनाना बताऊंगी आपको, इसी तरह से देखिए एक यहाँ पे चैन निकाल के और मैं इस तरह से बढ़ा लूँगी, ये देखिए अभी पांच बनाए थे अब मैं सात बना रही हूँ इसमें बीच में, इसी तरह से जितना बड़ा आपको चाहिए, ये देखिए यहाँ से जिस तरह से मैंने ये सात बना लिए हैं इसी तरह राउंड कम्प्लीट करेंगे और आगे एक एक बढ़ता जाएगा, इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, जितना बड़ा आपको चाहिए आप बना लें, उसके बाद मैं अभी फ्रिल बनाना बताऊंगी आपको। ये देखिए मैंने इतना ये बना लिया है, अगर आप ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लें, ये मैं अटैच कर रही हूँ और देखिए यहाँ से मैं इस तरह से आगे लाऊँगी यहाँ से, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद इस तरह से एक, ये देखिए तीन हो गए, तीन चैन वापस इसी में से, देखिए तीन बार, अब देखिए अभी मैं यहाँ से एक बना रही थी,
अब देखिए मैं एक चेन बनाऊंगी यहाँ पे, और देखिए यहाँ से इस तरह से इसमें से दो बनाऊंगी, एक यहाँ से बना लूंगी इस तरह से इसमें से, और दो इसमें से बनाऊंगी, क्योंकि अब आगे ज़्यादा बड़ा बनाएगा तो झोल आ जाएगी नहीं वापस। इसी में से एक इसमें से इस होल में से दो बार बनाया, उसके बाद सिंगली बनाएंगे इस तरह से सारी चेन में से एक एक बार, इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है, इसमें मैंने 8 रो डाली है। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो पड़ी हुई है। अब देखिए मैंने इसका एंड यहाँ पे किया है, और अब मैं इसमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं इस धागे को थोड़ा सा ऐसे 3 चेन बना के अंदर के साइड लाऊँगी। देखिए यहाँ से एक रो अंदर ले आऊँगी यहाँ पे ऐसे, देखिए ऐसे मैं धागा कट नहीं कर रही हूँ, आप कट करके भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 तीन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे 1 2 3 तीन चैन बनाने के बाद जहाँ पे आपका ये इतना आ जाए उतना आप इसको आप 5 चैन का भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। 1 2 3 ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ आ रहा है हमारा, एक रो अंदर में बना रही हूँ इसको ऊपर से, देखिए ऐसे 1 2 3 1 2 3 ये देखिए इस रो को मैं इसी तरह से देखिए इस तरह से ही आ जाएंगे ऐसे बना के मैं कंप्लीट करके दिखाऊँ। ये देखिए मैंने पूरा राउंड इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैं जहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया था इसको यहीं पे मैं अटैच कर दूँगी इस तरह से, देखिए इसमें यहाँ से ऐसे इस कोने से। अब देखिए इसमें ये जो है ये चैन बनाए थे मैंने ये 3-3 के, इस तरह से इसमें ऐसे इसमें से निकाल लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे देखिए। और देखिए इसको क्रोसिया को मैं इस तरह से पलट लूँगी इस साइड ऐसे, देखिए अब इसमें से देखिए ऐसे 1 2 3 ये देखिए इसमें मैंने 8 बार बना लिया है, 8 ये हो गए हमारे पास, 2 4 6 8 9 इसमें 9 हो गए हैं। अब देखिए ये 10 हो गए, आप यहाँ अगले में से 1 2 3 4 5 ये देखिए 5 बनाते हैं तो ये 10 बन जाते हैं। अब देखिए अगले में से ऐसे 1 2 3 4 5 ये देखिए 5 बनाए तो ये 10 हो गए। अब देखिए अगले में से इस तरह से 1 2 3 4 5 ये देखिए मैंने इतने बना लिए हैं इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ से ये वाला कलर लगाऊंगी ब्लू वाला, और देखिए अब मैं इसको ऐसे इस वाले फंदे को मैं यहीं छोड़ दूंगी ऐसे घुमा लूंगी, और देखिए यहाँ से मैं कलर अटैच कर रही हूँ ये देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे। अब देखिए मैं यहाँ से इस तरह से दो दो निकालूंगी ये देखिए ऐसे इस तरह से, आप एक एक भी निकाल सकते हैं जिस तरह से आप इसको निकालना चाहें। देखिए एक भी निकाल देंगे तब भी उसी तरह से मैं दो दो निकाल रही हूँ इस तरह से, देखिए ये देखिए एक एक अगर आप निकालेंगे तो ये ज़्यादा घनी दिखेगी आपकी फ्रिल, और दो दो निकालेंगे तो ये कम दिखेगी। तो आप जैसे अच्छी लगे आपको आप वैसे निकाल सकते हैं इसको। ये देखिए एक इसमें छोड़ देंगे दो
ये देखिए दो इसमें, क्योंकि इसको मुझे आगे बनाना है तो इसके बराबर चाहिए। और देखिए ये हमारी फ्रिल इस तरह से देखिए दिखेगी ऐसे, देखिए इसको ऐसे सेट कर देते हैं तो ये ऐसे दिखने लगती है। देखिए इस तरह से बन के कम्प्लीट होएगी। अगले देखिए सेम पैटर्न रहेगा। ये देखिए दो मैंने इसको इस तरह से इस बराबर करने के लिए रखे हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच बना लिए तो ये दस हो गए। अगले में से देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद फिर अगले से एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच बनाने के बाद देखिए इस तरह से इसको मैं पलट लूँगी। और देखिए इस धागे को अब मैं इस तरह से इसमें से देखिए एक एक निकाल रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा घना ये चाहिए फ्रिल, इस तरह से निकाल दूँगी इसको। ये देखिए इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी यहाँ तक घुमाते हुए, उसके बाद मैं दिखाऊँ। ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था वहीं पे इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए एक बार और निकाल देंगे और इस धागे को कट कर देंगे, यहाँ से इसमें नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और देखिए ये देखिए एक एक फ्रिल मैंने ये बना ली है, इसको मैं इस तरह से पलट के सेट कर दूंगी ऐसे, जिस तरह से आप करना चाहें। ये मुड़ जाती है जिस तरह से मोड़ेंगे आप, और इस तरह से ये आप देखिए इसी तरह से आप चाहें तो हर दो दो रो के बाद आप डाल सकते हैं। मैं एक और बीच में डालूंगी और आप चाहें तो हर रो के दो रो में एक इसको आप डाल सकते हैं। इसी तरह से मैं कंप्लीट करूंगी।